सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तुम लोग रेडी हो? कौन कौन बोलेगा? कौन कौन? ठीक है, दोनों बोलना। मैं अभी मैं थोड़ी सी बोल लेता हूँ, फिर लोग बोलना। ठीक है, हम लोग श्री रूप गोस्वामी की विरह महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए उनकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, इसलिए बोले थे कि तो अशेष मंडल श्रेणी तथा तुच्छव। इसलिए कहते श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी कहते पहले इनका बचपन का नाम क्या था? अमर और संतोष। और ये दोनों हिंदू बुजुर्ग से था बालकृष्ण। ये रूप गोस्वामी कहते कर्नाटकीय ब्राह्मण ब्राह्मण घर में इन्होंने जन्म ग्रहण किया है, लेकिन जन्म ग्रहण करते हुए भी ब्राह्मण घर में लेकिन बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के बड़े विद्वान थे। इसलिए क्योंकि कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी में दया करी सपार सदस्य धाम सहावतन। भगवान जब इस जगत में आते हैं भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपना परिकरों को साथ में ठाकुर जी इसी जगत में अपना पत्थर या बसा के बसा। इसलिए कहते परिकरों को साथ में आते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में राधा रानी के अत्यंत अत्यंत प्रिय सभी श्री रूप मंजरी और श्री सनातन गोस्वामी श्री लवंग मंजरी है, तो नित्य सिद्ध परिकर है। तब भी जगत में साधारण रूप में दिखाते हैं बड़े विद्वान दुने भैया हैं। इसलिए कहते श्री उसी समय जो हुसैन साहब नवाब जो राजा के ये कौन थे, ये कहते एक थे प्राइम मिनिस्टर और एक थे फाइनेंस मिनिस्टर हाँ, एक थे वित्तरक्षक रक्षक और श्री दूसरे श्री मुख्य उनका क्या थे प्रधानमंत्री थे। कहते हम लोग पहले सुना था क्यों उन्होंने उनको स्वीकार किया था, कारण क्या था? मतलब कारण था एक समय उन्होंने एक मस्जिद बनवा रहे थे मिस्त्रियों से, वो मस्जिद उसने देखने के लिए लिया और इतने सुंदर मिस्त्री लोगों ने बनाया था, उसमें इतने कारीगरी थी जिसको देख करके राजा जो हुसैन साहब खुश हो गए, वाह कितने सुंदर तुम लोगों ने बनाया हैं, क्या कारीगरी। लेकिन उसमें जो मेन मिस्त्री था बोले हजूर जी ये क्या बात आपने देख रहे हो, हम तो इससे भी बढ़िया बना सकते हैं, ये क्या है? बोले क्या? वो तो मुसलमान वो मांस खाने वाले बड़े क्रोधित क्रोधित। बोले जब तू तो इससे भी सुंदर बना सकते थे मेरे ऐसे बनाए क्यों, सुंदर तुमने क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा था ना सुंदर से भी सुंदर बना, उसको तो बड़ा क्रोध आया और पूरा मस्जिद के ऊपर से उसको धक्का मार करके जो मेन मिस्त्री उसको धक्का मार कर उन्होंने फेंक दिया तो नीचे गिरते राम नाम सत्य हो गया। जब सत्य हो गया उसको पास में और जो उनको हेल्प करने वाले मिस्त्री थे बड़े क्रोध में तो बोले जाओ लेकर के आओ, लेकिन क्या लेकर के आए वो इतने क्रोधित में थे, उन्होंने सोचे अगर हमें पूछे क्या लेकर के आए, वैसे तो क्रोधी मुसलमान एक तो मेन मिस्त्री को मार डाला, हो ना हो हमें भी छत के ऊपर से फेंक नहीं दे, वो तो डर के मारे नीचे उतर करके आ गई और आ करके दर दर गली गलियों में दर दर भटक रहे थे।
कहते जो अमर और संतोष जो दोनों भैया थे ये तो बड़े बुद्धिमान है, इन्होंने देखा क्या बात है, ये लोग इधर से इधर इधर से उधर ऐसे ऐसे बड़े चिंता में, बोले इधर क्या बात है, तुम लोग दर दर भटक क्यों रहे हो, क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे हम लोग बनाया एक मस्जिद बड़ा सुंदर बनाया था, और जो मेन मिस्त्री था है उसने जब राजा ऊपर जा करके देखा, बोले क्या तुमने कारीगरी की है, जब उन्होंने बड़े सुंदर बताए तब उन्होंने बोल दी इससे भी बढ़िया बना सकते, बोले जब इससे बढ़िया बना सकते बड़े तूने बनाया नहीं क्यों, इसलिए उनको मस्जिद से गिरा दिया, वो तो खत्म हो गए। और राजा बोले ले आओ, अभी क्या लेकर के दिया, यार सोच रहे हमें ये भी पूछने का मौका नहीं मिला, क्यों अगर हम पूछे पर हमें अगर धक्का मार देगा तो, इसलिए हम तो डर के मारे भाग कर चले आए। वो समझ गए मस्जिद अभी पूरी नहीं हुई, उन्होंने बोले जैसे एक मिस्त्री को तो मार दिया मैंने मिस्त्री को, जब मिस्त्री लेकर गया कारीगरों को लेकर गया, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े सुंदर कारीगरों को हैं उन्होंने ढूंढ करके निकाले, बोले इनको साथ में ले जा। राजा बाद में सोचा मैंने तो उनको बताया नहीं क्या लेकर के आओ, पता नहीं क्या लेकर के आएंगे, लेकिन जब उन्होंने सुंदर मिस्त्रियों को लेकर गए राजा तो अक्के बक्के चक्के रह गए, बोले तुमको पता कैसे चला ये मिस्त्री को लाना, बोले हम तो दर दर भटक रहे थे वहां पर, दो बालक ने हमें ये अवस्था देख करके उनको भेज दिया, बोले कौन दोनों बालक है, बोले लेकर के आओ, उनको लेकर के आए रूप और श्री सनातन अमर और संतोष, बोले बाबा इतने बुद्धिमान व्यक्ति, बोले इनको मंत्री पद में नियुक्त कर दो है, इनको पहले उन्होंने फाइनेंस से इनको मंत्री बना दिया, एक मिनिस्टर और एक को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। अभी जब से इनको मंत्री पद में नियुक्त किया दिन दो गुना और रात चौगुना इनका धन दौलत समृद्धि पूरा राज्य एकदम बढ़ने लग गया है, बढ़ने लग गया इतने सुंदर। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु का संपर्क में उन्होंने आए, श्रीमन महाप्रभु जब राम के लिए ग्राम में पहुंचे थे उसी समय रूप सनातन दोनों भैया सुन करके श्री चैतन्य महाप्रभु आए, दोनों भैया छुप करके आकर के मिले, दांत में त्रिका दबाते हुए गले में गलबहनिया डाल करके महाप्रभु का चरण में गिर करके उन्होंने जो महाप्रभु को प्रणाम उन्होंने किया, बोले हम हीन कर्म कर रहे, हीन जाति हीन कर्म कर रहे, प्रभु कृपा करके हमें उद्धार करो ये माया के संसार से। महाप्रभु का जो उनके ऊपर में कृपा हुई, महाप्रभु ये दोनों का नाम क्या रख दिया बदला करके, फिर उन पहले था अमर और संतोष, और नवाब ने क्या नाम रखा, दबरी खास और साकल मलिक, क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए उसने मुसलमान नाम रख दिया दबरी खास और साकल मलिक। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को साथ में मिले फिर महाप्रभु इनका नाम को बदला करके श्री सनातन गोस्वामी का इनका नाम बड़े भैया का नाम रख दिया सनातन गोस्वामी, और छोटे भैया का नाम रख दिया श्री रूप गोस्वामी, इन्होंने इनका नाम दिया महाप्रभु। अब जब इन्होंने जिसको एक कृष्ण भक्ति रस, जिनको एक बूंद आस्वादन का विषय हो है, इसलिए जिनको कृष्ण भक्ति की जिनके हृदय में चस्का लग जाए, कदि विश्व ब्रह्मांड का जितने संपत्ति उसको सामने फीकी पड़ जाती है, क्यों कृष्ण भक्ति में इतना रस है, है? इसलिए कहते ना साध्वी माध्वी की चिंता न भवती सरकरे कर्कशासी, तो सरकरे गधे सरकरा, तुम तो कर्कश हो गया कड़वा हो गए हो, हे है कहते द्राक्षा न द्रक्षंती, द्राक्षा का अंगूर रस होता है, है? कहते द्राक्षा रस तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं, अमृत अमृत मसी कहते अमृत तुम मर जा, अमृत तुम मर जा है, बल अमृत अमृत मसी अधरा धरा मृतम कहते अधरा मृत तुम मर जा, क्योंकि अभी राधा कृष्ण प्रेम रस हाँ इनको राधा कृष्ण का प्रेम रस मिला है, इसलिए अभी ये दोनों भैया क्या सोच रहे हैं, राजपाट को हम छोड़े और छोड़ कर क्या करे श्रीमन महाप्रभु के पास में जाए वृंदावन में जाए और भगवान की हम भक्ति करें भगवान के भजन करें है। लेकिन सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भी तो मंत्र थे, पहले उन्होंने घर बार छोड़ दिया है, राजा को बिने बगल बोले उन्होंने घर बार उन्होंने छोड़ दिया,
और कुछ पैसा इधर उधर रख करके है, कुछ तो सज्जन को दे दिया, कुछ तो दुखी दरिद्र ब्राह्मण को दे दिया, कुछ उन्होंने किसी बणिक को पास में रख दिया। हो सकता है श्री सनातन गोस्वामी को है मदद होगा, इसलिए उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने एक विश्वस्त लोग को पास में रख दिया और श्री रूप गोस्वामी छोड़कर चले गए। जब चले गए अभी क्या हुआ, अभी रूप गोस्वामी से सनातन गोस्वामी के पास में एक प्रहेलिका लिखी है। प्रहेलिका मतलब ऊपर से सुनने के लिए एक लगता है लेकिन अंदर से और एक बात याद है, इसलिए को जदु कते है उसमें उसमें इसका मतलब जो प्रहेलिका लिखे थे ने बड़े भाई के पास में रूप गोस्वामी ने बोले बोले देखो रूप देखो सनातन, जब भगवान राम आए थे अयोध्या था, जब भगवान राम आए वो अयोध्या था लेकिन अयोध्या कहाँ गया, जब कृष्ण आए उस समय मथुरा था द्वारका था, अब ये मथुरा कहाँ द्वारका कहाँ है, कहाँ है सब के सब। इसलिए जगत का राज वैभव संपत्ति एक दिन सब के सब खत्म होने वाले, ये सब के सब खत्म होने वाले, ये चिरस्थाई नहीं। इसलिए ये चीज को गंभीर रूप में सोचो, ये जगत नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाले। ऐसे संपत्ति को जीवन में कमाओ जिस संपत्ति को कमाने पर है ये जीवन भी धन्य हो जाएगा और उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए जगत में सबसे बड़ा जो संपत्ति प्रेम संपत्ति बोले राधा कृष्ण प्रेम जाल से बड़ा धनी। इसलिए महाप्रभु जी जब श्री राय रामन से प्रश्न करे बताओ तो धन का अंदर में सबसे बड़ा धन क्या है, राधा का कृष्ण प्रेम जाल से बड़ा धनी। अगर राधा कृष्ण का प्रेम धन को अगर कोई जीवन में प्राप्त कर सकता है जगत में सबसे बड़ा धनी वो है। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, वास्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब क्या है, बोले जीवन में मैंने हैं कौन सा धन मिला, बोले मेरे पाया है, बोले क्या पाया है, बोले राम रत्न रूपी कृष्ण प्रेम रूपी धन हमें प्राप्त हुआ। बोले ये प्राप्त धन कहाँ से हुई है, बोले बस तो अमोल पति मरे सदगुरु, ये धन जहाँ तक नहीं मिलती है, ये धन कहाँ मिलती है, ये धन सदगुरु से मिलती है। ये धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त समय, ये ऐसे का धन है। लेकिन ये संसार का जो धन है, धन कमाते 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 शरीर छूट गया तो सारे धन यही रह जाएगी, ये धन यही रह जाएगी, ये धन साथ में कोई काम देने वाले नहीं। लेकिन जो भक्ति धन जो प्रेम धन है कहते दिन दिन बढ़त सवाय, और चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे फूटे नहीं जावे, उसको चोर चोरी नहीं कर सकते हैं, लूटने वाले लूट नहीं सकते हैं और नष्ट होने वाले नहीं, कदे दीन दीन बढ़त सवायो पायुज मैंने राम रतन धन पायो। ये जगत में सबसे बड़ा धन है जो राम रतन कृष्ण प्रेम रूपी धन को जो लूट सके है, इसलिए वो ऐसे के धन है। कदी ये ऐसे के धन कैसे धन है, बोले एक बार अगर ये धन को कमाओ ना, अगर ये एक बार ये धन को अगर जीवन में कोई कमा लिया बस वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी गरीबी नहीं होगा, कौन कौन लुटे। इसलिए श्री मीरा कहती हैं, बोले तुलसी मीरा और नरसी का है, कैसे लुटे कौन है, इसलिए वो दूसरे भजन में कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का
आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर गांडाल हुए। सोना चांदी माया वालो मैं समझाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का, इसलिए मीरा कहती है पर ये धन को जिन जिनियों ने लूटे हैं जगत में बड़े बड़े महाजन बड़े बड़े धनी हो गए। बोले कौन? बोले हनुमान जी को देखो, घर घर में जिनकी पूजा हो रही, तुलसीदास को देखो, नरसी भक्त को देखो, दासिया बावरी को देखो, साल बेग को देखो, जगत में इनके नाम जगत में पूजा हो रही। चले गए लेकिन इनका नाम जगत में अमर हो गए। लेकिन इसी जगत में बड़े से बड़े पोस्ट में है, जैसे मोदी अभी मोदी मोदी योगी योगी, लेकिन अगर अगले इलेक्शन में अगर हार गए तो उनको कोई पूछेगा? अभी मनमोहन सिंह को कोई पूछ रहा है जगत? सोनिया गांधी को पूछ रहे हैं? राहुल गांधी को कोई पूछ रहे हैं? कोई नहीं पूछ रहे, इनको ऐसे तैसे हो रही है। इसलिए ये जगत का बड़े से बड़े जो पोस्ट है ना, दो दिन बाद में सबके सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी का कितना नाम है, है? लेकिन अभी हमारे जो बीजेपी दल महात्मा गांधी को जय देते हैं, कल दुनिया को उसने बर्बाद कर दिया है। दुनिया को उसने बर्बाद कर गया है, इसलिए उठा कभी जय नहीं देते हैं, है? जय नहीं देता, बोले देश को टुकड़े टुकड़े करके देश को बेच करके चला गया। इसे नाथुराम गणेश ने गोली मार दिया, वो भी तो गोली में खाई, इंदिरा गांधी भी गोली खाई, राजीव गांधी भी सब गोली खा करके मरे। लेकिन प्रहलाद को देखो, बिराम को देखो, इनको जहर पिलाया गया लेकिन भगवान को अर्पण करके पिया तो जहर भी अमृत बन गया, जहर भी अमृत बन। इसलिए कहते रघु गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इन्होंने ऐसे धन को लुटे, कब आए थे? लेकिन आज कल का दिन सारा दुनिया में इनकी पूजा, संपूर्ण विश्व में जितने भक्त लोग उनकी घर घर में इनकी पूजा करते होंगे, हैं? इसलिए उन्होंने क्या किया, श्री सनातन गोस्वामी को पास में उन्होंने पत्र लिखे रूप गोस्वामी, बोले भैया चिंता करो, ये जितने जगत का राज्य पाठ एक दिन सब खत्म होने वाले, सब नष्ट होने वाले, इसलिए ये चीज को अच्छे तरह से सोच करके जितने जल्दी से जल्दी हो त्याग दो संसार और महाप्रभु का श्री चरण में चले आओ। जब उन्हें ये पत्र लिखे ना, ये पत्र पाकर गुरु को श्री सनातन गोस्वामी इन्होंने जो गेट कीपर था, है? जो जेल कीपर था, उनको कितना कितना लाख कितना हजार स्वर्ण मुद्रा दिया, कितना दिया? हाँ बोलो, 7,000। 7,000 स्वर्ण मुद्रा। आप बताओ अभी एक स्वर्ण एक मुद्रा का कितना पैसा होगा? एक तोला सोना कितना पैसा? 40-50 हजार। उन्होंने कितना दिया? 7,000 स्वर्ण मुद्रा, अरब खरब रुपया उन्होंने रिश्वत दिया। हम तो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं, नौकरी मिल जाए, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया। छोड़ने के लिए क्यों? बोले कृष्ण भक्ति में जो आनंद है, कृष्ण भक्ति रस में जो आनंद दुनिया में कहीं नहीं। ये जगत में जितने आनंद दिखता है वही आनंद ही बाद में दुख का कारण हो जाता है। पैसा पैसा बेटे बच्चों को लड़ाई झामला फिर बदमाशी लोग ना करे लूटपाट कर लेके बीवी 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 फिर पहले चंद्रमुखी फिर सूर्यमुखी फिर ज्वालामुखी होकर के फिर लड़ाई झगड़ा फिर जाकर कोर्ट में डाइवोर्स के लिए जाकर के लड़ाई करो, है? इसलिए है, इसलिए जाकर करो, इसलिए आई लव यू आई लीव यू फिर आई कील यू फिर जाकर कोर्ट में जाकर लड़ाई झगड़ा जाकर करते। इसलिए जगत का जितने सारे वस्तु जिसको सुख लगता है बाद में वो जाकर के क्या हो जाता है? जहर बन जाती है। लेकिन भक्ति जगत है ऐसे, इसलिए उन्होंने रिश्वत दे करके उन्हें नौकरी छोड़ी। और हम तो भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इतने बड़े साधु बने, ठाकुर जी को दर्शन करने आते थे, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आते थे, इतने बड़े संत हुए हैं। इसलिए इन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, गोविंद देव को
जब सारे महाप्रभु ने आदेश दिया था लुप्त विग्रहों को प्रकाशित करो, अभी श्री सब ठाकुर गोपीनाथ प्रकट हो गए हैं, कहते श्री मदन मोहन जी प्रकट हो गए, लेकिन अभी गोविंद देव कहाँ पर है? बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे, कहाँ पर? एक दिन स्वयं गोविंद देव ही आकर के बोले, बोले देखो वहां पर एक गोमा टीला है, देखना ठीक दोपहर में एक सुरभि गाय भी आकर खड़ी हो जाएगी, उनकी स्तन से अपने आप दूध चुचवाने लग जाएगी, देखना वहीं पर गोविंद देव खुद आकर के उनको ब्राह्मण रूप में बोल कर गए। सचमुच से उन्होंने देखा दोपहर में एक गाभी कहाँ से आया, कपिला गाभी, और जाकर के वो जो गोमा टीला गोबर में खड़े होते ही उनकी स्तन से अपने आप दूध सुचवाने लग गया और किसी गड्ढे में चला गया। जब उन्होंने खोदे है ना, देखा सचमुच से वहीं से श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए, बोले श्री गोविंद भगवान की है। इसलिए उन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किए और सारे ग्रंथों को रचना किया, उन्होंने लुप्त तीर्थ को उन्होंने उधार किया है, उन्हें उधार करके जगत में उन्होंने जगत को जो उन्होंने देन उन्होंने दिया, बहुत बड़ा देन दिया। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं विशेष करके महाप्रभु इनका तीन तत्व उनको शिक्षा दिया है। पहला तत्व उन्होंने संबंध तत्व की शिक्षा दिया, दूसरे तत्व उन्होंने अभिधेय तत्व का शिक्षा, तीसरा जो तत्व दिया उनको रस तत्व की शिक्षा दिया। इसलिए जो तीन चीज की महाप्रभु उनको शिक्षा दिया, इसलिए विशेष करके उन्होंने तीन ग्रंथ उन्होंने बनाया। इसलिए संबंध ज्ञान है, ये संबंध ज्ञान को स्थापन करने के लिए उन्होंने श्री लघु भागवतामृत ग्रंथ, और अभिधेय तत्व के लिए उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु, और उन्होंने जो प्रयोजन तत्व के लिए उन्होंने उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ स्थापन किया, और जो संबंध तत्व में इसलिए उनका नाम लिखा लघु भागवतामृत इसी ग्रंथ में। पहले इनका नाम लघु भागवत ग्रंथ क्यों रखे? पहले तो ऑलरेडी बृहद भागवतामृत श्री सनातन गोस्वामी प्रकाशित कर चुके थे, फिर इनको ये लघु भागवतामृत ग्रंथ रचना करने का क्या जरूरत है, कारण क्या था? बोले कारण है, इन्होंने देखा वो बृहद भागवतामृत होने पर भी वो भी भागवत सार है, उसका सार भी है, लेकिन जीव को थोड़ी समय के अंदर में इनको वास्तव तत्व उनको पता चले और जल्दी से जल्दी उसमें प्रतिष्ठित होकर के भजन करे, इसलिए इनका नाम लघु भागवतामृतम। बोले भागवतामृतम मतलब क्या? बोले भागवत अमृतम भागवतामृतम और भक्त अमृतम भागवतामृतम। इसलिए ये ग्रंथ में उन्होंने विशेष करके दो चीज को उन्होंने स्थापन किया। दो चीजें उन्होंने क्या स्थापन किया? पहला चीज स्थापन किया है हमारे इष्ट कौन है, हमारे इष्ट कौन है, हमारे इष्ट, क्योंकि भगवान की अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की अनंत अवतार है, इसलिए अनंत अवतार भगवान की जिसका कोई था नहीं, वैसे भागवत में तो 24 अवतार की बात बताई, और विशेष कर कवि जयदेव ने मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि उन्होंने 10 अवतार उन्होंने बताया। अभी प्रश्न है ये सबके सब तो भगवत अवतार है, लेकिन हमारा इष्ट कौन है, हम किसको भजन करें? इसलिए और अभी दूसरे दूसरे अवतार, लेकिन हम कृष्ण को क्यों भक्ति करते? कृष्ण भक्ति करने का क्या जरूरत है? कृष्ण है कौन? हम कृष्ण भक्ति करें क्यों? इसलिए उन्होंने लघु भागवतामृत में जो कृष्ण का जो परतत्व, बहुत अवतार होने पर भी कृष्ण जो परतत्व है, कहते परतत्व को उन्होंने स्थापन किया, विभिन्न प्रकार उदाहरण देकर कृष्ण क्यों पूर्ण ब्रह्म है, कारण क्या, कृष्ण के अंदर में से क्या चीज है, हैं? हम कृष्ण भक्ति करें। फिर दूसरा है, दूसरे जो उन्होंने भागवतामृतम जब भक्त अमृतम, अभी भगवान की भक्त भी अनंत है, द्वादश स्तर का रस है, 12 रस है, 12 रस में 5 मुख्य और 7 गौण, अभी जो 5 जो मुख्य रस है शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, 5 रस, फिर जो भगवान की जो भक्ति करते हैं वो भी 5 तरह का भक्त भी है, 5 रस भी 5 तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमाधु, ये 5 तरह का भक्त है। लेकिन ये भक्त होने पर भी, लेकिन हम लोग कैसे भक्ति करें, हम लोग उनको भक्ति जो करे किस रस से हम भक्ति करें उनको, इसलिए उन्हें लघु भागवतामृत ग्रंथ में
ये दो चीज को बड़े सुंदर रूप में स्थापन किया। कृष्ण ही क्यों हमारी इष्ट हैं और दूसरे तीसरे अवतार क्यों नहीं, और सारे उपासनाओं में यद्यपि सभियों ने भक्ति किए हैं लेकिन ये ब्रज गोपियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों है, किसलिए, इसमें क्या कारण है, ये ब्रज गोपियों के अंदर में क्या चीज विद्यमानता है, हैं? इसलिए उन्होंने लघु भागवत अमृत ग्रंथ में ये दो चीज को उन्होंने स्थापन किया। इसलिए जो संबंध तत्व है लघु भागवत अमृत ग्रंथ में उन्होंने समान तत्व को स्थापन किया, और जो अभिधेय तत्व को उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु और सिंधु ग्रंथ में उन्होंने किया है, और भक्ति का जो उन्होंने लहरी बताया, सब अलग अलग भक्ति का जो उन्होंने लहरी बताया, और भक्ति को जो डेफिनेशन दिया है, किसको भाव किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं, भाव का क्या लक्षण, प्रेम का क्या लक्षण, और साधन भक्ति का क्या लक्षण, उन्होंने जो भक्ति की जो तरह तरह का उन्होंने लक्षण बताए, कहते उन्होंने किसी ग्रंथ में, कहते श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, और उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में उन्होंने हमारे जो प्रयोजन तत्व, ये ब्रज गोपियां हैं, कितने तरह का गोपियां, क्या क्या भेद है, कृष्ण कितने तरह का नायक है, और राग स्नेह मान क्रिया है, और कुटायत मुटायत और स्नेह, और उनको दिव्य उन्माद, उसमें जो तरह तरह का जो उन्होंने नाम उन्होंने दिया है, हैं? आठ तरह का नायिका क्या क्या है, सखी किसको कहते हैं, इनका सखियों में क्या भेद है, राधा रानी के अंदर में क्या क्या भावना है, उन्होंने श्री उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में बताया। उन्होंने जो तीन ग्रंथ बनाए ना, अद्भुत, हमारी और किसी संप्रदाय में इतने डिटेल्स रूप में किसी संप्रदाय में नहीं है। इसलिए हमारी जो संप्रदाय ना पूर्ण है, पूर्ण है, हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं, झोली फैलाने का कोई जरूरत नहीं, हमारे गोस्वामियों ने जो जो हमको दे कर गए ना, हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं। इसलिए जीव गोस्वामी ने भी जो उन्होंने व्याकरण, जैसे संस्कृत सारे ग्रंथ संस्कृत में, थोड़ा संस्कृत ज्ञान होनी चाहिए, इसलिए जीव गोस्वामी ने क्या किया, हरिनाम मृत व्याकरण बना दिया, बोले कहीं जाने का जरूरत नहीं, आई ओन रिलीफ आई ओ भाई भाट सब करने का फट फाट करने का जरूरत नहीं। इसलिए क्या करो है, इसलिए क्या करो, मैं ग्रंथ बनाता हूँ व्याकरण, हरि खड़गा हरि बेणव हरि मधु, उन सब भगवान का नाम को दे 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 करके ना, पूरा भगवान का नाम को देकर व्याकरण बना दिया। अब आज सूत्र मुखस्त करो, सूत्र है सर्वेश्वर हरि हरि विष्णु जान, विष्णु जान की उसमें अंदर बड़े तत्व ज्ञान उन्होंने दिया, संधि किसको कहते हैं, धातु किसको, सब भक्ति कहते, एक साथ में दो काम हो जाएगा, व्याकरण भी बढ़ना हो जाएगा और उसको साथ साथ में भगवान का नाम भी तुम्हारी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। इसलिए हमारे, इसलिए तुम लोग हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हम इधर उधर नहीं जा करके ये गौड़ीय संप्रदाय में आए जिसमें भक्ति रस की अथाह समुद्र है। एक एक गोस्वामी ने कितने ग्रंथ बनाए, इसलिए तुम लोग कोशिश करना, जैसे हम बता रहे थे ना, जैसे हमारे बुद्धन महाराज कुछ हमको श्लोक याद कराते, ऐसे नहीं, ठीक है जो महाराज याद किसी तरह से याद करके सो जाओ, खा पी करके सो जाओ, नहीं, और भी जो गोस्वामी ग्रंथ है ना उसको लोभ रहनी चाहिए, उसमें हमें लोभ रहनी चाहिए नहीं, उसको साथ साथ में भी और जो ग्रंथ हैं उन्होंने ग्रंथों को भी हम श्लोक याद करें, उन्होंने ग्रंथों को भी हम अध्ययन करें। यही हमारे संप्रदाय के पिताजी, हमारे जो गुरुवर्ग, यही धन ही हमें दे कर गए। इसी धन में जो जितने बड़ा धनी बन सकता है, भविष्य में वो उतना ही बड़ा धनी हो सकता है। इसलिए उसको साथ साथ में भी क्या करनी चाहिए, दूसरे दूसरे ग्रंथों को भी हमें अध्ययन करनी चाहिए, लोभ रहनी चाहिए। हमारे जो अरण्य महाराज थे विदेश का, उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़े जिनकी जो ग्रंथ की बात बोलते थे हमारे, हम लोग अंदर लोभ होता था। देखो एक अंग्रेजी को अमेरिका का था, अमेरिका नहीं था, लंदन का था, लंदन का, उसको शास्त्र ग्रंथ जो पढ़ता था बोलता था, भगवान ईश्वर विदेशी होकर के, हाँ ये विदेशी होकर के इतने सारे ग्रंथों को पढ़ कर, वो ग्रंथ भी लोग बताया, ये ग्रंथ भी ये बताया, ये ग्रंथ भी, हमारे अंदर में लोभ हो जाता है, हम क्यों, हम भारतीय होकर क्यों ग्रंथ नहीं पढ़ते, ठीक है ना। इसलिए सारे ग्रंथों को, हमारे गोस्वामी ग्रंथों को अध्ययन करो, अध्ययन कर खुद पढ़ो, भजन करो, और दूसरों को भी कथा दूसरों को भी दे दो, ठीक है। बोले श्री रूप गोस्वामी पाद की, आ जा प्रभु जी, इधर बता रहा हूँ, अभी हमारे कौन श्यामानंद प्रभु जी अभी रूप गोस्वामी के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान कर, बस
ज्ञानतिमिरान्धस्यज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं जलाकेशपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवगौरभक्तवृन्द बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वाग्रे में अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत बोधन महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज तथा समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी के वैष्णव और गुरु भ्रातृ वृंद के चरण कमल में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज के जो बिरहादि के जो गोस्वामी है रूप गोस्वामी पाद उनके भी कृपा भी प्रार्थना करता हूँ। और विशेष रूप में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने कुछ आदेश दिया और उसी को भी पालन करने के लिए कुछ वाचनिक पुष्पांजलि उनके चरण में अर्पण करूँगा। जैसे कि हम लोग दो तीन दिन से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी की महिमा गुरु वैष्णव के मुख से, और श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जैन भूतले की महाप्रभु की जो मनोविष्ट को श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया ना, भूतल में स्थापित किया। अब इसको किस भाव से स्थापित किया और रूप गोस्वामी की जो भाव क्या है उसको जानना जरूरी है। जो रूप गोस्वामी के भाव है वो क्या है ना, उन्होंने उसी भाव को सारे ग्रंथों के रूप में प्रकाशित किया। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव बोलते हैं कोई अगर रूप गोस्वामी के भाव को अगर किंचित मात्र भी जानने चाहते हैं तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा कि ना उनके जो ग्रंथ है उसमें पहले प्रवेश करना चाहिए। उसके माध्यम से ही धीरे धीरे अपने योग्यता अनुसार उसको क्या होगा ना, उसी मात्रा में क्या होगा, उसी भाव का थोड़ा थोड़ा प्रकाशित होगा। तो ऐसे ही तो आज हम विशेष विशेष बात को पहले श्रवण कर चुके हैं, परिक्रिया भाव और बहुत सारे विचार हमारे गुरुवर्ग ने और वैष्णव वृंद ने बोल चुके हैं, लेकिन जो उनके जो ग्रंथ के बारे में आज कुछ हम संक्षेप में श्रवण करेंगे। यद्यपि उनके ग्रंथ बहुत है जिसको बोलते हुए गुरुदेव बोलते हैं कि अनंत देव भी अगर उनके महिमा को गुणगान करेंगे तो भी वो कम हो जाएगा, इतने उनका ग्रंथ है। तो हम संक्षेप में यथा योग्य हो सके तो उसको श्रवण करेंगे उनके ग्रंथ के जो वैशिष्टता है। तो हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि जैसे श्रीमन महाप्रभु के जितने भी सारे पार्षद हैं उनमें से श्री रूप गोस्वामी का विशेषता है। अब विशेषता क्यों है, क्योंकि श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को जिस परिमाण में अपने हृदय में प्रवेश करने की अनुमति दी उसी परिमाण में अन्य किसी पार्षद को अनुमति नहीं दी। इसका प्रमाण है जैसे कि श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जैन भूतले। अब महाप्रभु इस जगत में आए इसका दो कारण कि मुख्य कारण और गौण कारण। मुख्य कारण है कि राधा रानी के जो भाव मधुरिमा की दृश्वा मध्य उसको आस्वादन करने के लिए आए, और जो गौण कारण है कि वो उन्नत उज्जवल रस जिसको परकीय भाव कहते हैं उसके जो स्वभक्ति श्री जो रूप जो मंजरी भाव को भी प्रदान करने के लिए आए। तो हम लोग कल विशेष रूप में इसको श्रवण करें कि महाप्रभु इसको स्वयं प्रदान नहीं किए और रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदान करवाए। अब महाप्रभु ने रूप इतने सारे पार्षद होने के कारण भी रूप गोस्वामी को ही क्यों चुना, अब रूप गोस्वामी को ही क्यों चुना, क्योंकि रूप गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग है।
इसी बात को समझना पड़ेगा। इसको तो महाप्रभु के मनोविष्ट को स्थापना कर ही दी और उसके ऊपर भी रूप गोस्वामी ने क्या किया ना एक विशेष कार्य किया जो हमारे को हमारे लिए और सारे आचार्य वर्ग के लिए वो बहुत बड़ा चीज है जो महाप्रभु के स्वरूप कथा को उन्होंने प्रकाश किया जगत में। क्योंकि महाप्रभु के स्वरूप अगर जगत में प्रकाश नहीं होता तो महाप्रभु के बाद जो गोस्वामी लोग आए और हम जैसे बद्ध जीव उनके विशेष भगवत्ता को हम नहीं जान पाए थे। इसलिए रूप प्रथम सर्वप्रथम रूप गोस्वामी ने किया क्या ना महाप्रभु के स्वरूपता को प्रकाश किया। जैसे कि श्री राय रामानंद प्रभु और अन्य अन्य महाप्रभु के पार्षद ये सब लोग जानते थे कि महाप्रभु स्वयं भगवान है और महाप्रभु स्वयं उनके भगवत्ता को जानते थे, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु जानने पर भी उन्होंने कभी घोषणा नहीं किया। तो इसी से ही श्री रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्यता आता है कि श्री रूप गोस्वामी का महात्म्य का पता चलता है कि श्री रूप गोस्वामी ने ही पहली बार महाप्रभु का क्या किया ना भगवत्ता को प्रकाश करके जीव जगत में शिक्षा दिया। जैसे कि उदाहरण देते हैं, पहले बार जब महाप्रभु और रूप गोस्वामी प्रयाग में थे तब उन्होंने महाप्रभु का एक स्तुति बोला कि नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। अब जो महाप्रभु यहाँ पे सन्यासी है, अब सन्यासी अटय निरभिध नारायण, तो वहाँ के जो भक्त लोग थे महाप्रभु को देखते और बोलते हैं कि नमो नारायण है, तो महाप्रभु कान में हाथ ऐसे दे देते, बोलते हैं जीव अधमे विष्णु नाम कृष्ण ज्ञान कहु ना करियो। अब यहाँ पे तो नारायण की बात छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि रूप गोस्वामी यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं कि आपके नाम स्वयं कृष्ण है। तब महाप्रभु ने उनको कान पे हाथ नहीं दिया और महाप्रभु ने उनको कुछ मतलब विरोध नहीं किया और प्रतिरोध मतलब उनको कुछ बोला ही नहीं, तो इसका मतलब महाप्रभु ने उनको स्वीकृति प्रदान की। और दूसरी बात है, जब राय रामानंद को कबूर में गोदावरी तट में जब महाप्रभु ने अपने महाभाव के दर्शन करवाया तब राय रामानंद को समझ में आ गया कि महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण का मिलित तनु है। तो राय रामानंद प्रभु ने तब क्या किया ना महाप्रभु के भगवत्ता को जगत में प्रकाश करने के लिए कोशिश किया, उत्कंठित हो गए। तब महाप्रभु ने रामानंद राय प्रभु के मुख में हाथ दे के बोले कि खबरदार ये चीज को किसी को भी मत बताना। और ऐसे सर्वभूमे भट्टाचार्य को भी महाप्रभु ने क्या किए ना षडभुज रूप दिखाए, और षडभुज रूप दिखाने के बाद भी वो क्या किए ना उसमें तीन स्वरूप आ गए कि महाप्रभु कृष्ण राम, तो भगवत्ता का प्रकाश हुआ। तब भी सर्वभूमे भट्टाचार्य को मना कर दिया कि इसको जीव जगत में प्रकाशित मत करना। और उसके बाद भी जो महाप्रभु ने नवदीप धाम में लीला करते थे और नीलाचल धाम में और ब्रज में जो मतलब जो लीला करते थे उसी समय भी सारे भक्तों को जैसे कि श्रीवास पंडित नित्यानंद प्रभु सबको पता था कि महाप्रभु भगवान है, लेकिन कोई भी मुक्त स्वर से इसको घोषणा नहीं किया था। इसी से रूप गोस्वामी पाद का विशेष महिमा है कि रूप गोस्वामी पाद ने ही इसको प्रथम बार किया गया ना, पहले महाप्रभु का विशेषता को जगत को शिक्षा दिया कि महाप्रभु ही स्वयं भगवान है। जैसे ये तो महाप्रभु की इच्छा से ही होता है, और महाप्रभु एक बार किया कि ना नीलाचल धाम में सारे पार्षद के अंदर बैठे हुए महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पाद से पूछा कि रूप तुम आजकल कौन सा ग्रंथ के रचना कर रहे हो। तब से रूप गोस्वामी ने बोले कि प्रभु मैं ललित माधव और विदग्ध माधव का ग्रंथ एक नाटक का रचना कर रहा हूँ, दो नाटक का रचना कर रहा हूँ। अब यद्यपि महाप्रभु अंतर्यामी है और महाप्रभु ही रूप गोस्वामी के हृदय में सारे शक्ति का संचार किया, फिर भी महाप्रभु क्यों पूछते हैं कि रूप गोस्वामी तुम कौन सा ग्रंथ को रचना कर रहे हो, क्या महाप्रभु को वो पता नहीं कि रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं। तो फिर इसमें बोलते हैं हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदानंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि रूप गोस्वामी की महिमा को प्रकाश करने के लिए ही महाप्रभु और अपने भगवत्ता को स्वयं प्रकाश करने के लिए ही महाप्रभु इसी बात को पूछे। और ये ललित माधव और विदग्ध माधव ग्रंथ क्या है ना, ये ग्रंथ जब रूप गोस्वामी ये ग्रंथ में क्या दिया हुआ है ना, जो ब्रज लीला और द्वारिका लीला के बारे में विशेष रूप से वर्णना किया गया है। तो जब रूप गोस्वामी पाद में मन ही मन सोच लिए कि जो ब्रज लीला और जो द्वारिका लीला को एक ही ग्रंथ में रचना करने के लिए
तब श्री सत्यवाहामा में उसी जगह पे प्रकट होके उनके स्वप्न देश में आके बोले कि रूप तुम ऐसा कभी मत करना और ब्रज लीला और द्वारिका लीला को अलग अलग ग्रंथ में प्रकाशित करना। ब्रज और पूर लीला मतलब यहाँ पे द्वारिका लीला को अलग अलग ग्रंथ में प्रकाश करना। अब जब महाप्रभु ने श्री जगन्नाथपुरी धाम पे आए तब क्या हुआ कि उसी सत्यवाहामा के वाणी को स्वप्न को पुष्टि करने के लिए महाप्रभु बोल रहे हैं रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी को कि हे रूप और ये जो कृष्ण को इनको ब्रज से कभी बाहर मत ले जाना क्योंकि ये ब्रज के अंदर ही सदा सर्वदा रहते हैं। कृष्णे अन्ने जदु संबुते जह पुनः स्वस्य तपरः वृंदावनम परित्याजस कश्चिन नैव गच्छति। ये वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। अब यहाँ पे जब स्वीकृति मिल गई तो इन्होंने दो नाटक का रचना की, वो है ललित माधव और विदग्ध माधव। तब इन्होंने अब महाप्रभु सारे सभा में सारे पार्षद के सामने श्री रूप गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि तुम कौन से नाटक की रचना कर रहे हो। तो उन्होंने जो नाटक के नाम बताया तब वहां पे राय रामानंद प्रभु उपस्थित थे। तो वो राय रामानंद प्रभु क्या है ना नाटक कला में निपुणता है, तो तुरंत झट करके उन्होंने उठ के बोला कि अच्छा रूप तुम अपने नंदी मुखी श्लोक अर्थात जो मंगलाचरण के आशीर्वादात्मक श्लोक को बताओ। तब तो थोड़ा रूप गोस्वामी क्या हुए ना थोड़ा लज्जित हो गए, मतलब इतने सारे वैष्णव में कैसे बोलूंगा, दीनता प्रकाश किए। लेकिन बार बार जब महाप्रभु ने आदेश दिए कि बताओ बताओ तब जाके श्रील रूप गोस्वामी ने ये श्लोक को बताया कि अनर्पित चरिन चिरात करुण आवतीर्ण कलो समर्प्य तुम उन्नत जल रसम सोभक्ति श्रियम हरिपुर सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय स्कंद सचिनंदन। यहाँ पे पहले दो लाइन में तो श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन कर दिया, लेकिन जो लास्ट में बोल रहे हैं सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वो सचिनंदन, ये उनका आशीर्वाद आत्मिका है, ये वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो सचिनंदन हमारे हृदय में बह, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं बह मतलब पूरा बहुवचन है, सबके हृदय में स्फुरित हो वो सचिनंदन ना, ओ सचिनंदन सबके ओ सचिनंदन हमारे हृदय में स्फुरित हो जो जो क्या है ना राधा रानी के जो अंग कांति और राधा रानी के भाव को लेके इस जगत में प्रकट हुए और जो उन्नत उज्जवल रस और सौ भक्ति श्री को जो प्रदान करने के लिए इस जगत में प्रकट हुए। अब रूप गोस्वामी ने क्या किया ना महाप्रभु के इस भगवत्ता को सबके सामने प्रकाशित कर दिया, यद्यपि इसके पहले महाप्रभु के अन्य पार्षद ने इसको कभी भी प्रकाशित नहीं किया था। तब रूप गोस्वामी के बोलने से ही इस श्लोक को बोलने से जितने भी सब पार्षद थे उन सब लोग पूरा आनंदित हो गए और महाप्रभु वहां पे थोड़ा मतलब महाप्रभु थोड़ा दुखी तो नहीं लज्जित हो गए और रूप गोस्वामी को कुछ नहीं बोला। रूप गोस्वामी को बोल रहे सुनी प्रभु कहे यही अति स्तुति है लो, कि महाप्रभु बोल रहे ये तो अति स्तुति हो गया। तब वहां पे जो रामानंद राय और उनके जो मतलब महाप्रभु जो पार्षद थे वो लोग बोल रहे हैं कि अर्थ करीला सवाय श्लोक सुनाया सुना जा, तो इसके मतलब वो बोल रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए कि महाप्रभु हम चाहते थे हमारे अंदर था लेकिन हम बाहर को प्रकाशित नहीं कर पा रहे थे कि महाप्रभु की भगवत्ता कैसे प्रकाशित हो, वही काम को रूप गोस्वामी ने कर दिया, इसलिए हमने हमको उन्होंने क्या किया ना कृतार्थ कर दिया। अब क्योंकि हमको महाप्रभु ने क्या किया ना, जब क्या क्या ना आदेश नहीं दिया था कि महाप्रभु के वाणी महाप्रभु को भगवत्ता का प्रचार, क्योंकि जब राय रामानंद बोलने लगे थे तब महाप्रभु उनके मुख पे हाथ रख दिए थे और उनको आदेश नहीं दिया। तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि रूप गोस्वामी ने यद्यपि महाप्रभु के सारे इसके सारे भगवत्ता को प्रकाश एक ईश्वरदा मतलब भगवत्ता को प्रकाश कर किए और इसके पहले कोई भी उनके महाप्रभु के पार्षद ने प्रकाशित नहीं किया क्योंकि महाप्रभु का आदेश नहीं था, तो यहाँ पर क्या रूप गोस्वामी महाप्रभु आदेश का उल्लंघन करते हैं, यहाँ पर क्या रूप गोस्वामी महाप्रभु के मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो इसी के हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे महाप्रभु का मर्यादा का उल्लंघन श्रील रूप गोस्वामी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते ना श्रील जब जब महाप्रभु महाप्रभु को अगर
ये बात अगर अच्छा नहीं लगता कि महाप्रभु तुरंत झट करके रूप गोस्वामी को क्या करते ना, डांट देते। लेकिन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को डांटा नहीं, उल्टा लज्जित हो गए। और जैसे कि हम लोग जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब जगदानंद पंडित जब जगदानंद पंडित को महाप्रभु डांट के बोल रहे हैं कि ये कल का छोकरा जगदानंद ये सनातन को शिक्षा देगा, तो ऐसे डांट देते। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु डांट नहीं रहे, इसका मतलब महाप्रभु स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। और जो दूसरे भाव है ना, ये रूप गोस्वामी कौन है ना, ये है ब्रजलीला में जो राधा कृष्ण के जो राधा रानी के जो प्रधान सखी ललिता के अनुगत मंजरियों में जो सर्वश्रेष्ठ रूप मंजरी है, जो वही रूप मंजरी ही और उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने के लिए गौर लीला को पुष्टि करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के लीला में श्री रूप गोस्वामी के रूप में क्या हुए ना, आविर्भूत हुए। तो अब ये रूप मंजरी क्या है ना, राधा रानी को भाव को अच्छे रूप से विशेष रूप से जानते हैं। अब राधा रानी कौन है ना, कृष्ण का रूप, कृष्ण को भाव को विशेष रूप में जानने वाली। और जो कृष्ण को इच्छा मतलब पहले से जो कृष्ण को मतलब पहले की लीला मतलब इसका मतलब है अभी कृष्ण ने वो इच्छा किया नहीं, और राधा रानी क्या करते हैं ना, आगे कृष्ण ये इच्छा करेंगे और ये लीला करेंगे, आगे कृष्ण को ये सेवा चाहिए, इसी भाव को भी राधा रानी पहले से ही जान लेते हैं। तो यह उद्दीपक हमार बना, उद्दीपक सृष्टि हो जाते हैं वहां पे। तो यहाँ पे तो इसी कारण से ही कृष्ण राधा रानी के पूर्ण वशीभूत है और उसी भाव को जानने वाले ये रूप गोस्वामी पाद। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया ना, श्रीमन महाप्रभु के मनोविष्टता को विशेष रूप में क्या किया ना, जाने। और इसीलिए इन्होंने क्या हुआ ना, अंतरंग, श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग, अंतरंग अंत मतलब हृदय में गमन करना, गम धातु गमन करना, जो हृदय में महाप्रभु के हृदय में गमन किए इसी कारण के वजह, क्योंकि वो रूप मंजरी है और स्वाभाविक है। तो इसी कारण से और उन्होंने क्या किया ना, महाप्रभु के कोई मर्यादा को और महाप्रभु के कोई भी आदेश को उल्लंघन नहीं किया, अपितु अन्य कोई अगर इसको अगर करेगा तो ये उल्लंघन कहला जाएगा। लेकिन रूप गोस्वामी के लिए ये नहीं किया जाएगा कि यही रूप गोस्वामी का विशेषता है। ये तो ललित विदग्ध माधव का। अब ललित माधव में जो ग्रंथ है वही ललित माधव ग्रंथ में भी श्री रूप गोस्वामी पाद क्या करते हैं ना, महाप्रभु को प्रथम में अपने स्वरूपता का प्रदान करते हुए बोलते हैं, निज प्रणयताम सुधाम उदयम उपनवंदम ख्यति किरत चंचलम पुरीकृतम द्विजकुलादि राजा स्थितम सलुष्टि तम स्तिर्मम सच्ची सुताख्यम शशि बसी कृतं जगन्मनाः किमपि सम विनश्यति। कि यहाँ पे बोलते हैं कि जो महाप्रभु निज प्रणयता सुधाम उदयम, जो निज प्रणयमा जो निज राधा रानी को भाव को लेके जो उदय हुए हैं वो क्या हुए ना, द्विज कुलाधि राजस्थितम, वो क्या हुए ना, द्विज कुल के जो सामंत श्री सच्चिनंदन गौर हरि वो क्या करें ना, सारे जगत के जो अंधकार जो अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करे और सारे जगत को कल्याण करे। बस इतने सुनते ही महाप्रभु ने थोड़ा लज्जित तो हुए थे लेकिन थोड़ा अंदर ही अंदर बाहर को देखा रहे हैं कि क्रोध प्रकाश कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर वो बहुत प्रसन्न है। अब महाप्रभु बोल रहे थे, कहाँ तुम्हार कृष्ण से काव्य सुधा बिंदु तारो मध्य मिथ्या के नीर बिंदु। कि इसी बात को हमारे गुरु जी भी कल बतला रहे थे कि कहाँ तुम्हारा वो जो काव्य सिंधु है उसमें तुम क्या किया, मेरा स्तुति करके क्या किया ना, उसमें खार मिला दिया। अब इसी बात को सुन के झट करके वहां पे राय रामानंद, वो तो वैसे भी सब महाप्रभु के पार्षद उल्लसित थे ही, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, राय रामानंद प्रभु ने तुरंत उठ के बोला कि राय कहे स्वरूप काव्य अमृतेर पुर तार मध्य एक बिंदु दिया छी कर्पूर। बोले कि ये खार नहीं, बोले ये कर्पूर है और इसके द्वारा ही इसका मिठास बढ़ेगा। इसी भाव से उन्होंने दो नाटक के रचना की, ललित माधव और विदग्ध माधव। अब उन्होंने और एक ग्रंथ की भी रचना की, भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारे कल अनुपम प्रभु जी ने विशेष रूप से इसको व्याख्या कर रहे थे कि इसी ग्रंथ में कैसे कृष्णानुशीलनम उत्तमा भक्ति
और कृष्ण के जो चार माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी इतना इत्यादि अनेक अनेक कथा को उन्होंने उसी ग्रंथ में रचना किया। और जो उज्जवल नीलमणि किरण जो परकिया भाव है, परकिया भाव जो उसी को पहले क्या करते थे ना, उसी परकिया भाव को शास्त्र के सिद्धांत के द्वारा और शास्त्र के तर्क के द्वारा उसी ग्रंथ में वो परकिया भाव को जो लोग भ्रूण्य और तुच्छ मानते थे उसको खंडन किया। क्योंकि पहले लोग जो लोग थे वो कृष्ण के साथ राधा रानी को मिलना वो उपपति भाव में कभी देखते ही नहीं थे। तो इसी को हमारे तमाल प्रभु भी कल हम लोग श्रवण किए कि विशेष रूप में इस परकिया भाव को विशेष रूप में वर्णन किया। और कुछ कुछ संप्रदाय के लोग तो ऐसे भी सुना गया कि कुछ कुछ संप्रदाय में कि लोग जो जयपुर में स्थित श्री राधा गोविंद देव जी के निकट जो राधा रानी विराजमान है उनको हटा दिया था उनके स्थान पर। तब हमारे गौड़ीय वेदांत आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने श्री रूपानुग रसिका आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके गुरुपाद पद्म के प्रेरणा से उसी जयपुर में गए और इस रूपानुग धारा और इस उन्नत उज्जवल रस परकीय भाव को पुनः स्थापन किया और श्री राधा रानी को वहां पे पुनः स्थापित कर दिया। तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं श्री भक्तिवानंद गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो दो ग्रंथ है ना भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि किरण, ये गौड़ीय मठ का जो वेद बोलने से और सारे ग्रंथ का अगर वेद भी बोला जाएगा ना ये तो कम हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ये बात को बतलाते हैं वो करते हैं कि हम लोग परम रूपानुग वैष्णव संप्रदाय है। अर्थात परम रूपानुग वैष्णव संप्रदाय मतलब क्या है कि हमारे संप्रदाय में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो जो गोस्वामी भी आए हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि और अन्य समस्त गोस्वामी हमारे संप्रदाय के गोस्वामी ने उन्होंने क्या किया ना, रूप गोस्वामी को विचारधारा और रूप गोस्वामी को जो वैशिष्ट रूप गोस्वामी को अनुगत्य करते हुए क्या किया ना, अनेक अनेक ग्रंथ को रचना किया। जैसे कि श्री जीव गोस्वामी पाद ने, अभी हमारे गुरु जी इसके बारे में ही बता रहे थे कि जैसे कि हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद ने क्या क्या ना रूप गोस्वामी पाद के जो रचित भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि किरण के ग्रंथ का टीका उन्होंने रचना की। और उसके बाद भी उनके धारा में श्री गोपाल चंपू और सड़ सुंदर्व आदि ग्रंथ का रचना की। और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सर्वश्रेष्ठ रूपानु कहलाते हैं, उन्होंने भी अपने विलास कुसुमांजलि ग्रंथ में रूप गोस्वामी की महिमा को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, त्वम रूपमंजरी सखी प्रथिता पुरे अस्मिन् पुंसः परस्य वदनं नाहि पश्यति स्थिति बिम्बाधरे क्षतमनगतः भर्तु काया यत्ते व्याधिया किम तुच्छक पुंगवेन। कि त्वम रूपमंजरी सुखी सखी, कि हे रूपमंजरी सखी पुंसः परस्य वदनं नहि पश्यति, कि आप ब्रजमंडल में कभी परपुरुष के मुख भी देखना पसंद नहीं करते क्योंकि आप ब्रजमंडल में सती कहलाते हैं और यहाँ पे आपके पति भी उपस्थित नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि आपके जो अधर पे कुछ खरी मतलब कुछ चोट लग गया है। तो यहाँ पे बोलना है कि बिंबाधर खेत मनगत भर्तु काया, कि मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो एक सुख पक्षी ने क्या किया ना आपको अधर को बिंबाधर स्वरूप मान के उसी भ्रमित में क्या किया ना चोंच मार दिया और क्षुदित कर दिया। तो ऐसे जो भाव नरोत्तम ऐसे जो भाव जो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको हम थोड़ी ना आस्वादन उनको हम थोड़ी ना जान पाते, ये हमारे गुरुदेव की देन है। और जैसे और श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री रूप गोस्वामी की महिमा को वर्णन किए और श्री सनातन गोस्वामी पाद भी बृहद भागवतम की पहले पहले जब रचना के मंगलाचरण में बोलते हैं, गत परम दशांत जम चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप श्री रूप गोस्वामी, चैतन्य स्वरूप मतलब यहाँ पे रूप गोस्वामी को बतला रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी ने ही क्या किया ना महाप्रभु को भाव को जगत में प्रकाशित किया। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया ना लघु भागवत मृतम को जगत में पुनः क्या किया ना रचना की, इसके बारे में भी हम अभी श्रवण कर रहे थे। उसके बाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने चैतन्य चरितामृतम में श्री रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इसी प्रकार श्री
रूप गोस्वामी के और भी ग्रंथ है, जैसे उपदेशामृतम में ब्रज में कैसे प्रवेश करें, ब्रजानुरागी जनानुगामी, ब्रज उसी के भाव में बतलाए। अभी तो समय नहीं है, शॉर्टकट में इसको बोलने के सुनने के प्रयास करते हैं। और भी जो ग्रंथ है राधा कृष्ण गणोद्दीपिका, जो राधा कृष्ण के जो परिकर उनके जो उनके बारे में जो संपूर्ण निदर्शन करने के कारण इसका नाम रखे राधा कृष्ण गणोद्दीपिका। अब इस राधा कृष्ण गणोद्दीपिका में भी श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया ना, बृहद भागवतम से बात्सल्य और मधुर रस के जो राधा कृष्ण का परिकर, लघु भागवतम से सख्य और दास्य रस के जो परिकर के भाव में नाम रूप गुण और उनके जो विशेषता के बारे में बतलाया। तो ऐसे रूप गोस्वामी का विशेष विशेष महिमा है। और उसी क्रम से ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो कहते हैं रूपानुगवर आए थे, उनके प्रणाम मंत्र में बोलते हैं कि जो रूप गोस्वामी की अनुगत में जो सर्वश्रेष्ठ रूपानु कहलाते हैं, और उन्होंने भी क्या किया ना, जैव धर्म में श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा को प्रदर्शन किया। अब श्रील प्रभुपाद ने उनके धारा में श्रील प्रभुपाद ने भी रूपानुगत्य को ग्रहण करते हुए जो रूप गोस्वामी के जो विलुप्त तीर्थों को उद्धार किया था, तो उनको क्या किया ना, परिक्रमा के माध्यम से और उनके परिक्रमा के माध्यम से भक्तों को सबको परिचित कराया वो विलुप्त तीर्थ को, और क्या किया ना सारे कुसिद्धांत को खंडन किया, और क्या किया ना रूपानुगतवाद को प्रचार किया। और प्रचार करते हुए वो प्रार्थना करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के चरण कमल में वो केवल उनके जो धूल है वो उनको जन्म जन्म में प्राप्त हो, श्रीमद पदाम्बुज धूलि स्वामी जन्म जन्मानी। इसी भाव से हमारे परम गुरुदेव ने भी रूपानुगत्य को रूप गोस्वामी को अनुगत्य को स्वीकार करते हुए राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम रचना की। और हमारे गुरुदेव के तो इसको मतलब विशेष देन ही है कि जब गुरुदेव इसको क्या किया ना, साधक के भाव में इस रूप मंजरी और जो रूप गोस्वामी के बारे में जो भजन शिक्षा बड़े सरलता भाव, क्योंकि हम लोग इस भाव को समझ नहीं सकते, इसको बड़े सरलता भाव में हमारे गुरुदेव ने जगत में क्या किया ना, प्रकाशित किया। और गुरुदेव बोलते हैं कि रूप गोस्वामी के देन के कारण हम अपने आप को रूपानुग गर्व करते हैं, हम रूपानुग है। और जिस प्रकार वन के फूल की महक से वन के फूल को महक को भ्रमर क्या करते हैं ना, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ना क्या के ना श्री उसी प्रकार क्या के ना जो वन विपुल शास्त्र रूपी जो वन है रूप गोस्वामी की, और उसमें हमारे जो भक्ति रसामृत सिंधु और जो उज्जवल नीलमणि किरण है उसकी पुष्प रूपी, और यहाँ पे भ्रम हमारे गुरुदेव उसको क्या किया ना, प्रकाशित किया, जैसे वन के फूल को भ्रमर प्रकाशित करते हैं उसी रूप में हमारे गुरुदेव को इसको प्रकाशित करें। अभी तो फिलहाल समय नहीं है, और भी मुझे कुछ कहना था लेकिन एक बात को मैं विशेष रूप में बोलना चाहता हूँ और इसके बाद कथा को खत्म करूंगा कि रूपानुग जो धारा है ये हमारे गुरुदेव के नाम से एक्वेंटेड है। रूपानुग मतलब शब्द से ही गुरुदेव को नाम मतलब जाना जा सकता है कि श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। इसके उदाहरण है कि जब चैतन्य घोड़े मठ में श्री प्रभुपाद के पार्षद कृष्ण केशव प्रभु ने अपने एक भक्त सिंगानिया प्रभु उनके बेटी विशाखा को पूछा कि विशाखा तुम अगर कुछ पूछना चाहते हो शास्त्र के विषय में तुम पूछ सकते हो, अगर तुम पूछना नहीं चाहते हो तो मैं कुछ बोलता हूँ तुम सुनो। तब विशाखा ने झट करके बोला, आप मुझे रूपानुग गौड़ीय वैष्णव किसको कहते हैं ये बतलाइए। तो महाराज जी कृष्ण केशव प्रभु ने आश्चर्यचकित होकर बोला कि सिंगानिया प्रभु आपके बेटी नारायण महाराज का संग करता है क्या। तब सिंगानिया प्रभु ने बोले अभी अभी तो हम मथुरा से ही आए। तो इसी कारण से मतलब गुरुदेव के नाम से पूरा ये एक्वेंटेड है, और बस गुरुदेव के नाम से ही नहीं, हमारे गुरुदेव के बाद भी जो अनुगत जन है हमारे गुरुवर्ग आदि, कि मैं एक बार सुनावड़ा मठ में था तो विशाखापट्टनम में पूज्य पाद भक्ति सुध केशव गोस्वामी महाराज ने एक ग्रंथ को लेके आए
अपने बैग में लेके आए और पढ़ रहे थे और शायद उनको अच्छा नहीं लगा, ऐसे फेंक दिए। तो फेंक दिए जब, तो हमने पूछा कि महाराज फेंक क्यों दे, तो बोले इसमें कुछ अच्छा नहीं है, अगर इसको तुम्हारे गुरुजी रसानंद, गुरुजी का नाम लेके बोला कि इसको तुम्हारे गुरुजी अगर रसानंद लिखते तो विशेष रूप में रस दे के लिखते, क्योंकि वो नारायण गुरु महाराज से शिक्षित है, उनको आश्रित है। हाँ, और एक बार हमारे ओडोगणा गांव में उड़ीसा में एक जगह पे प्रचार हो रहा था और उसी जगह पे कुछ वैष्णव लोग ने इस डिस्कशन किए कि रूपानुग क्या है। हाँ, रूप हम सब लोग बोलते हैं रूपानुग गुड़े वैष्णव रूपानुग गुरु परंपरा की जय, रूपानुग गुरु वर्ग की जय, क्या है रूपानुग। तो उनको मन में छट करके आया कि बंसीवदन प्रभु को पूछो, क्यों ना वो नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य। इसी प्रकार गुरुदेव के देन है कि हम किसी भाव से किया गया ना, गुरुदेव का विशेष देन है जो रूपानुग शब्द से गुरुदेव और गुरुदेव के बाद भी जो उनके संग किए, हम तो नहीं किए, उनको भी विशेष किया गया ना, उसी रस में उन गुरुदेव प्रतिष्ठित करवाए। अब हम जो चीज को प्रभुपाद मांग रहे हैं कि रूप गोस्वामी के जो चरण धूलि हमको जन्म जन्म में प्राप्त हो, और उसी चीज को प्रभुपाद के लेवल में प्रभुपाद उस चीज को मांग रहे हैं, तो हम उसी चीज को अभी नहीं मांग सकते कि हमको रूप गोस्वामी के चरण जन्म जन्म में प्राप्त हो, क्योंकि हमारे ऐसे अधिकार ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके स्तर और हमारे स्तर कहाँ है। हाँ, तो इसीलिए हम बस अभी भी सोच भी नहीं सकते कि स्वप्न में भी जागृत तो नहीं, ऐसे कि स्वप्न में भी नहीं कि जागृत में भी नहीं कि सोच भी नहीं सकते कि हमारे गुरुदेव के चरण कमल के जो रज है वो भी हमको जन्म जन्म में प्राप्त हो, क्योंकि हम बद्ध जीव है, पता नहीं क्या कब कुछ करते हैं। लेकिन हम इतना प्रार्थना करते हैं कि जो गुरुदेव के जो आनुगत्य वैष्णव के जो दास के दास है, उनके चरण कमल हमको जन्म जन्म में प्राप्त हो, क्योंकि हमको अगर वैष्णव दास नहीं बनेंगे ना, तो हम कभी भी गुरुदास नहीं बन सकते। इसी बात को गुरुदेव विशेष रूप में बताया करते थे, क्योंकि हम अभी उसी वैष्णव के जो गुरुजी के आनुगत्य में और वैष्णव के जो दास के दास है उनके चरण के मैं प्रार्थना करते हुए और कुछ इधर उधर बोल दिया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए और श्री रूप गोस्वामी के विरह तिथि पे, यद्य अभी मेरा योग्यता नहीं है परंतु गुरुदेव ने बोला, और कुछ भी तो ऐसे भी योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरुदेव के कृपा से, गुरु जी के कृपा से कुछ भी बोला जो उनके चरण में क्या क्या ना, अपने पुष्पांजलि बाचुनी को पुष्पांजलि प्रदान किया, तो इसमें सारे के सारे श्रेय गुरु जी और जो गुरु जी के अनुगत वैष्णव को ही जाता है, और उनके चरण धूलि के प्रार्थना करते हुए हम कैसे हमारे गुरुदेव के रूपानुगता को, मतलब ठीक ठीक रूप में गुरुदेव को मनोविष्ट है कि प्रचार करे, उसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Krishna, 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 Krishna
हरे कृष्ण। अब भी मुझे मारिया।